Hello, good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें Wi-Fi Study चैनल को. हेलो. मैं हूं सुष्मिता त्रिपाठी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग इंडियाज नंबर वन स्टडी चैनल पार्ट ऑफ एन एकेडमी नाउ. एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी लोगों के लिए. 8 दिसंबर सुबह 11 बजे राजस्थान के कुछ विशेष क्लासेस के बारे में आपको दिनेश सर बताएंगे, तो लाइव आना मत भूलिएगा 8 दिसंबर सुबह 11 बजे. ठीक है, चलो शुरू करते हैं सेशन को. और ओके, देखो भाई, आज हम लोगों के पास में कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है, इजीली कर सकते हो आप लोग. ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपनी एक्सप्रेस को लेकर, बढ़ते हैं आपके घर तक आते हैं और बात करते हैं हम लोग आज के क्लासेस की. ठीक है, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे आज के, बहुत ही ज्यादा इजी, फटाफट आंसर करने वाले हैं. बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ. सबसे पहला सवाल है कि सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश भी गुजरते हैं और कौन से राज्य से. टाइमर में भूल जाती हूँ. ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश और किस राज्य से गुजरता है. जब आप लोग मैप देखते होगे तो आप लोग समझोगे, दिए हुए राज्य में से आपको बताना है. ओके, देखो जैसा हमें पता है कि जो हमारी पृथ्वी है इसमें ये इक्वेटर है जो कि सबसे लंबा माना जाता है अक्षांश. बाकी ये सब ऐसे हमें दिखते हैं जो लैटिट्यूड अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में इसी को हम लोग कहते हैं अक्षांश. ठीक है, जो बीच का इनके गैप होता है वो 111 किलोमीटर होता है. ठीक है, खैर अब जो एक और इंपॉर्टेंट बात है वो इंपॉर्टेंट बात है कि आपसे पूछ रहा है कि जो जो सिक्किम से गुजरती है वो और कौन से राज्य से गुजरती है. ये मैप है जो आपको शायद थोड़ा सही से दिख नहीं पाएगी क्योंकि बहुत ही ब्लर हो चुकी है, लेकिन अगर आप लोग देखोगे तो जो अक्षांश है जो कि सिक्किम से गुजर रही है, इसके अलावा ये और कहां से गुजर रही है, ये गुजर रही है राजस्थान के पोर्शन से. बाकी जो भी यहां पंजाब है यहां पे नहीं आ रही है. ठीक है, पंजाब के अलावा देखिए क्या दिया हुआ था, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश यहां है, यहां भी कहीं नहीं आ रही, जम्मू कश्मीर नहीं. जो दिया हुआ है उसमें से ऑप्शन में क्या आएगा, राजस्थान से होकर के गुजर रही है, तो आंसर क्या होगा, राजस्थान. ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी इसमें से ट्राइब है जो कि सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य भारत में नहीं पाई जाती है. मध्य भारत आप लोग समझते होंगे. ठीक है, कौन सी ऐसी ट्राइब है जो नहीं पाई जाती है, गोंड, टोडास, भिल्स या मुंडास. ओके, तो अगर आप लोग देखोगे गोंड्स वगैरह की हम लोग बात करें, इधर एमपी में होगा, झारखंड होगा. ठीक है, तो ये सब तो आपको मिलेंगी, लेकिन जो नहीं मिलेगी वो होती है टोडास. ये जो होती है, आपसे मध्य भारत की बात कर रहा था, सेंट्रल इंडिया, लेकिन ये आपको मध्य ना होते हुए किधर मिलेगी, ये आपको मिलेगी पेनिनसुलर साइड में, दक्षिणी भाग में आपको मिलेगा. तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका टोडास, जो कि आपको तमिलनाडु के नीलगिरी साइड में मिलता है ज्यादा. आंसर क्या हो गया, टोडास. अगला क्वेश्चन है, दमन और दीव को क्या अलग करता है, नर्मदा नदी, खंबात की खाड़ी, गिर हिल्स या ताप्ती नदी. ओके, देखो ये देखो मैप पे आपको दिखता होगा, ये दमन है, दीव है, ये जो बीच में है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं खंबात की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ खंबात. ठीक है, अच्छा इसके अलावा यहाँ पे एक और आपको दिखता, यहाँ पे आपको एक और सेपरेशन पॉइंट है दिख रहा है, ये क्या होता है, ये होता है रन ऑफ कच्छ. फिर यहाँ से अगर हम लोग होते हुए गुजरे तो गुजरात होता है आपका,
फिर महाराष्ट्र होता है, गोवा होता है, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु हो जाता है इधर, फिर आगे बढ़ेंगे आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये जो दक्षिणी भारत होता है इसको उत्तरी भारत से कौन डिवाइड करता है? हम लोगों ने पिछली बार भी बात किया था, विंध्य रेंजेस, ठीक है। ये हो गया उत्तरी भारत, ये हो गया दक्षिणी भारत। चलो अगला क्वेश्चन देख ले हम लोग। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि तीस्ता किस प्रमुख नदी प्रणाली का हिस्सा है? गंगा, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। बहुत ही आसान सवाल है ये, बस तुरंत देख के आंसर करने वाला आंसर है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सबसे बड़ी तटीय रेखा है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु। दिए हुए में से आपको आंसर करना है, जो भी आपको सामने से दिख रहा है। ओके, समय समाप्त। अगर इसमें आपको इस ऑप्शन में अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश होगा, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो होता है वो गुजरात होता है आंसर। सिंस आपके ऑप्शन में ऐसा कुछ ऑप्शन था नहीं, इसलिए गुजरात ना होके यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री? किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? ओके, देखो एक वो होता है, एक ट्रिक होती है, ये आप लोग में से बहुत लोगों को पता भी होगा, बचपन में भूटान आया, ठीक है। इसमें बी से क्या होता है? बी से होता है बांग्लादेश, ठीक है। ये क्या हो गया? चाइना, चीन। ये हो गया पाकिस्तान। ये हो गया नेपाल। ये म्यांमार। ये भूटान रहेगा और ये अफगानिस्तान रहेगा। ये सीरीज है जिससे आपको याद रहेगा कि सबसे लंबी से सबसे छोटी कहां लगती है। सबसे लंबी जिससे लगती है वो होती है बांग्लादेश। बांग्लादेश से सबसे ज्यादा लंबी लगती है इसकी लाइन, और कितना किलोमीटर? 4097 किलोमीटर शेयर करता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला क्वेश्चन जैसा हम लोगों को दिख रहा है, जोजीला पास किसको कनेक्ट करता है? ये हम लोगों ने पिछले सेशन में भी किया था, किसको कनेक्ट करता है जोजीला पास? पास के बारे में आपको बताया गया था, जैसे पहाड़ियां होती हैं तो इधर से उधर जाने का रास्ता जो होता है बेसिकली उसी को हम लोग पास कहते हैं। ओके, चलो तो ये किसको कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट करता है श्रीनगर से लेह को। आंसर क्या हो जाएगा? पहला। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मैच विथ करेक्ट पेयर्स, सही जोड़े के साथ मैच करें। कौन सी नदी कौन से राज्य में होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, देखो भाई सबसे पहली नदी दिख रही है पुलिकत। पुलिकत आपको कहां मिलेगा? तमिलनाडु, ठीक है। अगला हमें दिख रहा है चिल्का, ये तो ऑब्वियसली ओडिशा बहुत फेमस है। फिर दिख रहा है हमें वुलर। वुलर की अगर हम लोग बात कर लें तो ये हो जाएगा कश्मीर, और लास्ट में दिख रहा सांबर जो हो जाएगा राजस्थान। यानी कि हमारा जो चल रहा है क्रम वो कैसे चल रहा है? 3 1 4 2, ये 4 कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला। ओके, चलो अगला देखो। चलिए भाई अगला देखिएगा। कौन सी जो है हाईएस्ट पीक है भारत की? कामेत, नंदाकोट, नंदा देवी या केटू? ओके, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा केटू गोडविनोस्टी, ठीक है। फिर अगला देखो। अगला क्वेश्चन है, द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया की बात आपसे कर रहा है, हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? अनायमुदी, डोडाबेटा, महेंद्रगिरी या नीलगिरी? ओके, देखो सबसे पहला हमें अनायमुदी दिख रहा है, ये कहां पर होता है? ये केरल में होता है, ठीक है। अगला हमें क्या दिख रहा है? अगला हमें दिख रहा है डोडाबेटा, ये कहां पर होता है? तमिलनाडु। फिर क्या दिख रहा है? महेंद्रगिरी, ये कहां पर होता है? ये होता है ओडिशा में। और फिर दिख रहा है नीलगिरी, ये तो कहां होता है? तमिलनाडु, ठीक है। आंसर आपका क्या होगा? आपका आंसर होगा अनायमुदी, जो कि हाईएस्ट माउंटेन पीक है पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहा है, ठीक है। इसमें कौन सा होगा सबसे जो बड़ा पीक होता है? वो होता है अनायमुदी का। ओके, चलो आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है,
किस नदी को वृद्धा गंगा के नाम से भी जाना जाता है? इसका अस्तित्व पुराना है जिसकी वजह से इसे वृद्धा गंगा कहते हैं। आंसर क्या होगा? आंसर होगा गोदावरी। ठीक है, गोदावरी को हम लोग वृद्धा गंगा के नाम से भी जानते हैं। अब आप लोग जरा ये बताइएगा कि ये कहां पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? इंडिया को पाकिस्तान से, इंडिया को चाइना से, बांग्लादेश को पाकिस्तान या बांग्लादेश को इंडिया से? ये भी आसान क्वेश्चन था। जैसे आप लोग करतारपुर कॉरिडोर सुनते होगे, BCIM कॉरिडोर सुनते होगे, इंडिया चाइना कॉरिडोर सुनते होगे, वैसे ये भी एक कॉरिडोर है जो किसको किसको जोड़ता है। ये जो कॉरिडोर होता है ये आपका बांग्लादेश से भारत को जोड़ता है। तो आंसर हो जाएगा आपका 4। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, ये बहुत कंफ्यूज करेगा आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र की रचना करता है? आंसर करिएगा। ओके, तो बहुत लोगों को लगा होगा कि ज्योग्राफिकल सर्वे होना चाहिए, लेकिन गलत है। आपका आंसर क्या होगा? सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का सर्वेक्षण, जो कि ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंडर आती है, जो मंत्रालय इसके लिए होती है, हर्षवर्धन जी के अंडर चल रही है, और ये आपका स्थित है उत्तराखंड में। ठीक है, ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों का कौन सा समूह नागालैंड के साथ सीमा साझा करता है? ये भी बहुत आसान सवाल है, कौन से होंगे आंसर? ओके, तो देखो ये मैप, देखो मैप दिख रहा है आपसे। क्वेश्चन क्या पूछा था? नागालैंड के साथ में कौन कौन शेयर करता है बाउंड्री, बाउंड्री की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये हमें नागालैंड दिख रहा है, इसके साथ में बाउंड्री, पहला हमें किसका दिखा? मणिपुर, अगला दिख रहा है असम, और तीसरा दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश। यानी कि आंसर क्या होना चाहिए? मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? इसका आंसर क्या होगा? अरे भैया देखो अपना टाइमर शुरू हो गया है, जल्दी जल्दी आंसर करिए सभी लोग। द आंसर इज यस, द आंसर इज जावा ट्रेंच। ओके, चलो कहीं कहीं आप लोग इसको सुंदर ट्रेंच के नाम से भी जानते हो कैसे। ठीक है, वही सेम चीज ही है। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन है, मीठे पानी का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? अभी जैसे जब तापमान बढ़ रहा है तो ग्लेशियर पिघल रहा है, ऐसे हम लोग सुनते जा रहे हैं कि बहुत चिंता वाली बात है, बहुत दिक्कत वाली बात है। 10 सेकंड से भी कम समय इसमें तो आप लोगों को लगा है, बहुत ही चिंता वाली बात है कि यार घटता जा रहा है, और तमाम इस पे सम्मेलन हो रहे हैं, UN ने अपनी तरफ से कोशिश कर रखी है, तमाम जो है संस्था इस पे लगे पड़े हैं कि किस तरह से रोका जाए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था, स्वीट वाटर का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? ठीक है, क्या होगा आंसर? आंसर होगा ग्लेशियर। इसी से पिघल रहा है तो इतनी चिंता जताई जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी सोर्स से तमाम जो हम लोगों के यूज का पानी होता है ना, वो यहीं से ही मिल जाता है हमें। ठीक है, खैर अगला देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, जल संसाधनों के संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका, ये हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, जल संसाधनों के संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ओके, सबसे पहला क्या दिखा हुआ है? वर्षा जल का संग्रहण, हाँ बिल्कुल करना चाहिए, रेन वाटर लोग कहते थे, कंजर्व करो जो वर्षा का पानी है उसको कंजर्व करके रखो, जहां यूज कर सकते हो इसको यूज कर लिया करो। ठीक है, फिर सतत पानी का खपत, यानी कि सस्टेनेबल वाटर कंजम्पशन, जितना हो सके उतना जो है उसी पानी को यूज कर लो, कंज्यूम कर लो, ताकि आपको ज्यादा पानी और ना उसको खपाना पड़े और ज्यादा उसकी खपत ना हो, बचे हुए पानी से कर लो या जो सस्टेन्ड है उससे कर लो। फिर जैसा दिख रहा है, प्राकृतिक पौधों के सुधार को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जैसा हमें दिख रहा है, कौन से हिल स्टेशन को क्वीन ऑफ सतपुरा भी कहते हैं? कौन से हिल स्टेशन को क्वीन ऑफ सतपुरा कहते हैं? ओके, तो टाइम खत्म। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था कि कौन से हिल स्टेशन को कहते हैं, तो आंसर क्या होगा इसका? पंचमढ़ी, जो कि बहुत ही फेमस है अपनी खूबसूरती के लिए, ब्यूटी के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है। ठीक है, और ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है आपकी मध्य प्रदेश। ठीक है,
बाकी के बारे में हम लोगों ने अभी अभी बाकी सभी पहाड़ियों के बारे में बात करी थी, हिल्स की बात करी थी, ठीक है। चलो ये हमारा आज का सवाल है, आखिरी है, कि परियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है? अरावली, विंध्या, ईस्टर्न या वेस्टर्न? ये तो आप लोग ऐसे ही समझ जाओगे, आसान क्वेश्चन है। देखो परियार की अगर हम लोग बात कर लें तो जो परियार नेशनल पार्क होता है ये आपको केरल में मिलेगा, वेस्टर्न घाट में। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा वेस्टर्न घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क होते हैं केरल में, अगर हम लोग बात करें और कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है आपका अनामुदी शोला, ठीक है, फिर होता है एराविकुलम, ओके, अगला होता है मथिकेटन शोला, फिर पंबादम शोला। सारे शोला वाले समझ लो लगभग यही आपको मिल जाएंगे, पेरियार और साइलेंट वैली। ये होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो आपको केरल की साइड में मिलेंगे, ठीक है। चलो फिर ये हमारा आज का सवाल था, हाँ सेशन हो गया आज का। अगर आपको सेशन पसंद आया लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच।